नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, पेटीएम के बारे में सबने सुना होगा। एक ये ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट भी है और ये पैसों का भी लेन देन करवाती है। तो आज की वीडियो में हम पेटीएम के बारे में ही बातें करेंगे। तो पेटीएम की बात करें तो एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है। इसके संस्थापक की बात करें तो वो विजय शेखर शर्मा है। पेटीएम की शुरुआत 2010 में हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। पेटीएम ऐप 197 कम्युनिकेशंस का एक उपक्रम है। पेटीएम मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप बन चुका है। पेटीएम के वर्तमान 450 मिलियन से भी अधिक उपयोगकर्ता है। पेटीएम ऐप को अब तक 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। पेटीएम ने अपने लॉन्च के केवल 3 वर्षों में सफलता हासिल की और 3 मिलियन ऐप डाउनलोड हासिल किए। पेटीएम के पास प्रतिमाह लगभग 900 मिलियन से अधिक ऑर्डर आते हैं। paytm.com एक चीनी वेबसाइट द्वारा वित्त पोषित दुनिया की एकमात्र वेबसाइट है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पेटीएम में चीनी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा की 40% हिस्सेदारी है। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि रतन टाटा ने भी पेटीएम में निवेश किया हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद पेटीएम का इस्तेमाल करीब 150% तक बढ़ गया था। 2012 में पेटीएम को मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में पेटीएम को एप्पल इंडिया से एप्पल स्टोर का सर्वश्रेष्ठ ऐप पुरस्कार भी मिला। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा को मोस्ट इनोवेटिव सीईओ का पुरस्कार भी मिला है। पेटीएम विक्रेताओं से शुल्क लेकर अपनी सदस्यता देता है और उनसे पैसे लेता है। पेटीएम अपनी वेबसाइट पर भी विक्रेता के विज्ञापनों की बिक्री के लिए शुल्क लेता है, यानी कि वो एडवर्टाइज दिखाने के पैसे लेता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।